10 मिनट में 50 खबरें। मणिपुर में बारिश और बाढ़ से हुई भूस्खलन में की तबाही में 21 लोगों की मौत, खिंजौय इलाके में हुआ हादसा। मणिपुर में शनिवार हुई जबरदस्त बारिश के बाद नदियों में आया उफान, पुल टूटे, यातायात में बाधा, बारिश से बाजारों और दफ्तरों में दिखा सूनापन। थौबाल और चंदेल जिले बारिश और बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित, रिहायशी इलाकों में घुसा सैलाब। गुजरात में बारिश थमने से बाढ़ प्रभावित इलाके में थोड़ी राहत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, सेना के जवानों ने 1000 लोगों को प्रभावित इलाके से बाहर निकाला। गुजरात के बाढ़ प्रभावित इलाके में पेयजल और दवाओं का संकट, करीब 1000 लोग अब भी फंसे। उत्तराखंड के धनगढ़ी में नाले में बही बस, बाल बाल बचे 35 यात्री, तेज बहाव के चलते हुआ हादसा। अचानक आए तेज बहाव में बस गहरे पानी में चली गई, बाद में पलट गई। बहाव में बस के पलट जाने से घायल हुए कई यात्री, आपदा प्रबंधन ने यात्रियों को बहाव के बीच सुरक्षित बाहर निकाला। बांकुरा के दारकेश्वर नदी में अचानक तेज बहाव आने से फंसी बस, स्थानीय लोगों और प्रशासन की मदद से बचाई गई करीब 40 जिंदगियां। श्रीनगर में फिर हुई भारी बारिश, आसमान में छाए काले बादल। मौसम विभाग के मुताबिक घाटी में लोगों को अभी कुछ दिनों तक बारिश से राहत नहीं मिलेगी। राजस्थान के जालौर जिले में अभी भी बाढ़ के हालात, बेहद धीमी रफ्तार से घट रहा है पानी। बारिश के बाद नदियों के उफान से जालौर में हुई जबरदस्त तबाही। धौलपुर जिले में शुक्रवार को चंबल नदी में बहे 3 बच्चों का अब तक पता नहीं, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी भरतपुर से बुलाई गई एसडीआरएफ की टीम। चंबल नदी में मगरमच्छों की भारी तादाद, रेस्क्यू मिशन में बन रही है बाधा। राजस्थान में बारिश और बाढ़ की तबाही में अब तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत, पाली, जालौर, सिरोही की हालत सबसे ज्यादा खराब। राजस्थान के बाड़मेर में सैलाब ने दिया जश्न का मौका, 7 साल बाद लूणी नदी में पानी आने पर लोगों ने की पूजा अर्चना। पश्चिम बंगाल में भारी बारिश और बाढ़ के बाद सड़क और रेल यातायात पर असर, 12 जिले बुरी तरह प्रभावित, 39 लोगों की मौत। पश्चिमी मिदनापुर में बाढ़ से भारी तबाही, जिले के 524 गांवों में घुसा बाढ़ का पानी, करीब 2.5 लाख लोग प्रभावित, 11,000 घर ढहे। राज्य में 1,19,000 लोग शरणार्थी शिविर में शरण लेने को मजबूर। उत्तरकाशी के गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी भूस्खलन, हजारों कांवड़ यात्री फंसे। भूस्खलन की चपेट में आने से एक कांवड़ यात्री गंभीर रूप से घायल, पुलिस ने रोकी यात्रा। उत्तरकाशी के गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी भूस्खलन, हजारों कांवड़ यात्री फंसे। मिदनापुर में सैलाब से राष्ट्रीय राजमार्ग 60 को भी नुकसान पहुंचा, उड़ीसा और झारखंड से संपर्क कटा। भारी बारिश के बाद रांची में सैलाब का मंजर, उफान पर है नदियां, सैलाब में डूबी सड़कें। ओडिशा में बाढ़ का कहर जारी, करीब 600 गांव सैलाब की चपेट में, करीब 5 लाख लोग प्रभावित। आज केजरीवाल सरकार का घेराव करेगी कांग्रेस, दिल्ली के 14 जिलों में धरने का आयोजन। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन के मुताबिक केजरीवाल सरकार ने लोकपाल पर जनता को दिया धोखा, दिल्ली के 8 जिलों में सुबह 9 से 12 बजे तक प्रदर्शन करेंगे कांग्रेस कार्यकर्ता।
दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक दिल्ली के बाकी 6 जिलों में कांग्रेस के धरने का आयोजन, मजबूत लोकपाल की मांग। भगत सिंह क्रांति सेना ने केजरीवाल पर किया पोस्टर वार, दिल्ली में लगाए पोस्टर में भ्रष्टाचार को लेकर आप पर उठाए सवाल। पोस्टर में केजरीवाल सरकार के प्रचार पर 526 करोड़ रुपए खर्च करने का जिक्र, बिहार में लालू के प्रचार की तैयारी पर भी सवाल उठाए। सामने आया कांग्रेस नेता शशि थरूर का दुख, सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी, कहा उनकी ईमानदार कोशिश को पार्टी में सराहा नहीं गया। दिल्ली में पेयजल की कालाबाजारी जारी, एसडीएम साकेत ने पानी के 11 अवैध टैंकर पकड़े। पकड़े गए टैंकर में 7 टैंकर लेकर भाग निकले ड्राइवर, फतेहपुरी इलाके का वाकया। अवैध बोरिंग पर 500 और 400 रुपए में भरे जाते हैं बड़े और छोटे टैंकर, दिल्ली सरकार के दावों के विपरीत बेधड़क चलता है धंधा। आज लुधियाना में समाज सेवी अन्ना हजारे की रैली, वन रैंक वन पेंशन है मुद्दा, पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर पूर्व सैनिकों और कर्मचारियों के साथ अन्ना ने दिया था धरना। जम्मू कश्मीर पुलिस हाई अलर्ट पर, राजौरी में बढ़ी चौकसी, खुफिया सूचना के बाद राज्य में बढ़ाई गई चौकसी। याकूब पर सलमान के विवादित ट्वीट पर पिता सलीम खान ने दी सफाई, कहा सेलिब्रिटी होने की वजह से सलमान को बनाया गया निशाना। आज तक से खास बातचीत में बोले सलीम खान, कहा सलमान का ट्वीट करना बेवकूफी भरा कदम। सलीम खान ने मुंबई के एक बीजेपी नेता पर जानबूझकर विवाद खड़ा करने का आरोप लगाया। सलमान के पिता सलीम खान ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में पीएम मोदी की तारीफ की। सुप्रीम कोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार अनूप सुरेंद्र नाथ का इस्तीफा, याकूब की फांसी को बताया इस्तीफे की वजह, फेसबुक पर निकाली भड़ास, 1 साल पहले ही सुप्रीम कोर्ट में अनुबंध के तहत हुई थी नियुक्ति, इस्तीफे में पद छोड़ने की वजहों को बताया निजी, इस्तीफा मंजूर। व्यापम मामले में सीबीआई ने दर्ज किए 8 और FIR, अब तक 26 मामले हुए दर्ज, 24 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में होगी व्यापम पर सुनवाई। स्पेशल टाडा कोर्ट में सीबीआई ने अबू सलीम से शादी करने की लड़की की याचिका का विरोध किया, 1993 मुंबई ब्लास्ट का आरोपी है अबू सलीम। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में बदमाशों ने लूट का विरोध करने पर स्कूटी सवार को गोली मारी, मैक्स अस्पताल में भर्ती है घायल, सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस, लेकिन इस बीच हमलावर हुए फरार, केस दर्ज कर तफ्तीश में जुटी है पुलिस। आगरा में संत आसाराम पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले एक छात्र और उसके 2 दोस्तों की पिटाई, स्कूल की छत से फेंकने का भी आरोप, स्कूल के प्रबंधक वार्डन और कुछ लड़कों पर आरोप। अपने भाई की पिटाई पर दोस्तों के साथ स्कूल पहुंचा था छात्र, कुछ लड़कों से ले रहा था जानकारी, लेकिन तभी लोगों ने पकड़कर पीटा। यूपी के मैनपुरी में एक महिला पर लगा 2 साल की बच्ची को जिंदा जलाने का आरोप, सैफई के पीजीआई में इलाज के दौरान बच्ची ने दम तोड़ा, मरने से पहले पीड़िता ने दिया बयान। आरोपी महिला पर कुछ दिनों पहले लगा था मृतक बच्ची की मां के सोने के कुंडल चुराने का आरोप, पंचायत ने आरोपी से गहने के एवज में वसूल किए थे पैसे। गड्ढे में गिरकर हुई बाइक सवार की मौत पर मुंबई के आरे पुलिस स्टेशन में केस दर्ज, मुंबई के विक्रोली इलाके में शुक्रवार को हुआ था हादसा। एम्स के मुद्दे पर शनिवार को जम्मू में जारी रहा प्रदर्शन, पुलिस ने किया बल प्रयोग, प्रदर्शनकारियों पर दागे आंसू गैस के गोले, प्रदर्शनकारी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं।
जम्मू में प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कारगुजारी कैमरे में कैद, पुलिसकर्मी ने बेवजह तोड़ा एक गाड़ी का शीशा, ड्राइवर को भी पीटा। गोरखपुर में सालाना कांवड़ महोत्सव बना धर्मनिरपेक्षता की मिसाल, हिंदुओं के परिधान तैयार करने में जुटी हैं मुस्लिम महिलाएं। वडोदरा में छात्रों ने मनाया अनोखा मित्रता दिवस, पर्यावरण सुरक्षा का संकल्प लेकर पेड़ों को बांधा फ्रेंडशिप बैंड। चीन की जेल से तिब्बती राजनीतिक बंदी रुनगई अदक की रिहाई पर धर्मशाला में मना जश्न, 8 साल बाद हुई है रिहाई। खुफिया सूत्रों के मुताबिक सरहद पार पाकिस्तान आतंकियों को और देगा मदद, रेंजर्स आतंकियों के साथ हर संभव नीति पर कर रहे हैं अमल। तालिबान के नए सरगना मुल्ला अख्तर मंजूर ने जारी किया ऑडियो संदेश, शनिवार को जारी हुआ अख्तर मंजूर का 33 मिनट का ऑडियो संदेश। तालिबान के नए सरगना के ऑडियो संदेश में अफगानिस्तान सरकार से शांति वार्ता का भी जिक्र, लेकिन मदद का भरोसा नहीं। पाकिस्तान की मध्यस्थता के बीच तालिबान और अफगान सरकार के बीच एक दौर की हो चुकी थी वार्ता, मुल्ला उमर की मौत की पुष्टि पर शुक्रवार को दूसरे दौर की होने वाली वार्ता टाली गई थी। भारत से सीमा विवाद के निपटारे के बाद मिली पहचान पर खुश दिखे करीब 5 लाख बांग्लादेशी, मनाया जश्न। अमेरिका के ओटावा में स्काई डाइवर्स ने रचा इतिहास, 164 स्काई डाइवर्स ने एक दूसरे से मिलकर आसमान में फूल जैसी तैयार की आकृति।